हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आपके पर्सन की एनर्जी उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुँचा देना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। तो अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो ये चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगी। आप ये चीज़ें पता कर सकते हैं कि आपके पर्सन इस तरीके की बात कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप डिसाइड करके मैसेजेस को लीजिएगा कि ये आपके पर्सन के मैसेजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बिकॉज कई ऐसे भी मैसेजेस होते हैं जो ज़रूरी नहीं कि हर किसी से रेजोनेट करें, ठीक है। तो जिस मैसेज से आप कनेक्ट कर पाएंगे उन मैसेजेस को आप अपने पर्सन का मैसेज समझकर रिसीव कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या मैसेज है जो वो देना चाहते हैं? चेंज हो भाई, तुम क्यों रुक गए? क्या मैसेजेस हैं एंजल्स? ओके, सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पर निकल कर आया है कुछ लोगों के पर्सन का, वो ये है कि आपके पर्सन को डर लग रहा है। अगर ये लड़की है तो भी, लड़का है तो भी। किस चीज़ का डर है ये? कैसा डर, कैसा डर है एंजल्स? एम्परर एंड एम्प्रेस का डर है भाई, एम्परर का डर है, सॉरी मुझे एम्प्रेस लगा, ये सन की एनर्जी है। फैमिली का डर है, सोसाइटी का डर है, पारिवारिक टेंशन नज़र आ रही है। लोग, समाज, सोसाइटी, फादर, इमेज, थर्ड पार्टी, तो ये डर रही हैं या डर रहे हैं, किस वजह से डर रहे हैं वो वजह एंजल्स ने आपको दे दी है। हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली ना मान रही हो, या इन्हें ऐसा डर सता रहा है कि मैं अपनी फैमिली से कैसे बताऊं। हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हूँ, कैसे बताऊं कि मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, किसी और से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हो सकता है इनके बच्चे भी हों, बिकॉज यहाँ हैप्पी फैमिली का कार्ड है। हो सकता है पूरी गृहस्थी हो, तो कैसे छोड़ दूँ, ये चीज़ें हैं। सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी, सोसाइटी करेगी भी या नहीं करेगी, फादर करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है ये पब्लिक इमेज हो या इनके फादर पब्लिक इमेज हो, इमेज का क्या होगा, धज्जियाँ उड़ जाएंगी सोसाइटी में। तो बहुत सारे टेंशन है इनको। अब आपके पर्सन को इनमें से क्या टेंशन है वो आप देख लेना, बिकॉज ये कलेक्टिव मैसेज है ना। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन की ये एनर्जी है और मैसेज ये है कि इन्हें डर लग रहा है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ लोगों के पर्सन तो खुद आपको मैसेज करना चाहते हैं, बहुत जल्दी मैसेज आने वाला है, क्लेम करें फटाफट इस एनर्जी को। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको मिलने बुला सकते हैं, डेट पर ले जा सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं, कहीं शांति से बैठकर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। हो सकता है वीडियो कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, जिसको भी आता जाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये जो एनर्जी है ये 80 आवर्स के अंदर की है, 8 नंबर है, 8 आवर्स से 80 आवर्स के अंदर अगर आपको मैसेजेस आते हैं इस वीडियो पे आके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनको जॉब लग गई है, ये आपको कोई खुशखबरी सुनाना चाहती हैं या सुनाना चाहते हैं। ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब इनको किसी का डर नहीं है। ये मतलब कहने का कि इनकी अगर जॉब नहीं होती तो ये फादर मदर पे डिपेंडेंट होते, तो फिर ये आपके लिए एक्शन ना ले पाते, स्पेशली अगर ये मेल एनर्जी है तो ये कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाना चाह रहे हैं। और अगर कोई फीमेल है जिसका ये था कि यार मैं पहले कुछ बन जाऊँ तब शादी करूँगी, तो इसकी ये जो भी इंटेंशंस थे वो अचीव किए हैं इन्होंने, अपने विशेस को पूरा किया है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, ठीक है। ये मैसेजेस कुछ लोगों के पर्सन आपको देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ये भी बता सकते हैं कि मैंने जिम ज्वाइन किया है, या मैंने अपनी केयर करना शुरू किया है, मैं अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, या मैंने पेट लाया है, क्योंकि यहाँ पर ये भी मैसेज है। हो सकता है आपके पर्सन कोई नया पेट लेकर आए घर पर। देन आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रही हैं या सोच रहे हैं, उस सिलसिले में ये आपसे भी बातचीत कर सकते हैं कि आप इनको क्या सपोर्ट कर सकते हो,
या फैमिली से इन्होंने डिस्कस किया बिजनेस से रिलेटेड, या जो भी इनके पार्टनर्स हैं, ये इस तरह की बातें भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि अपने काम काज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपसे डिस्कस करें। ये भी हो सकता है कि आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते हो या कलीग्स रहे हो, तो ये आपका सजेशन लें या आपको ऑफर करें कुछ। नेक्स्ट, कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज है कि ये बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? कारण कारण कि ये आपसे दूर हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा किसी प्रेशर में हैं या इनके लाइफ में कोई ऐसी मुसीबत है कि ये बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये करना चाहते हैं बात, क्लैरिटी देना चाहते हैं। हो सकता है किसी का डर हो सकता है कोई इनका फ़ोन का कोई मसला चल रहा हो, जैसे पेरेंट्स ने फ़ोन ले लिया, या कोई और बात हो, या कोई शक कर रहा हो इनके ऊपर जिसकी वजह से बातचीत ना हो पा रही हो, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रही हैं या मिस कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। लास्ट मैसेज, ओके ओके, कुछ लोगों का मैसेज है यहाँ पर कि अगर आप बहुत टाइम से वेटिंग पीरियड में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं, आपके पर्सन ने आपको त्याग दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है, वापस नहीं आएंगे, सबके पर्सन वापस आ रहे हैं, मेरे ही नहीं आ रहे हैं, तो आने वाले हैं गाइस। अगर आपके पर्सन अभी तक वापस नहीं आए हैं, कॉल मैसेजेस नहीं आए हैं, आने वाले हैं बहुत जल्द, क्विक एक्शन होगा यहाँ पर। जिनके पर्सन बहुत टाइम से डीले कर रहे थे, उनके पर्सन भी वापस आएंगे लौट कर। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी। होप आपको इस मैसेजेस से, इन में से जो मैसेज आपके पर्सन का आपको लग रहा हो कि ये मेरे पर्सन का ही मैसेज है, ऐसी ही सिचुएशन है, उन मैसेजेस को आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।